अभी हम चले जा रहे हैं। खाना हम घर से खा के आए थे, तो इसलिए हमने खाना वाना अभी खाना नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं रास्ते से कोई चिप्स विप्स ऐसी रिफ्रेशमेंट हम कुछ ले लें। और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मैंने आपको जगह का नाम नहीं बताया। हम जा रहे हैं जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम है सजावल। सजावल के नाम से कोई जगह है और वहाँ पे है फार्म हाउस, तो वहाँ चलते हैं हम और देखते हैं कि वो कैसा है। सिंध में वैसे तो थोड़ी बहुत ग्रीनरी हो गई है बारिशों की वजह से, लेकिन प्रॉपर वाला ग्रीन है कि नहीं है। पंजाब वाली की तरह नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आ रही है, वो मैं दिखाती हूँ। फिलहाल तो रोड भी थोड़ा बेहतर है और ग्रीनरी भी नज़र आ रही है जहाँ तक हो सकता है, तो रोड भी खुले हैं, कोई इतना ट्रैफिक भी नहीं है। तो अभी हमने ना ठट्टा बाईपास को क्रॉस किया है, और ये कोई ठट्टा बाईपास पर हैं, ठट्टा बाईपास पे हैं अभी, और इस टाइम पे इतना खूबसूरत कोई सनसेट हो रहा है। और उस तरफ पूरा, क्योंकि बारिशें इतनी हुई है यहाँ पे, तो पूरा ग्रीन हो गया, खूबसूरत हो गया। यहाँ का व्यू अलग है, सिंध का अलग है, इसकी अलग ब्यूटी है थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम चले जा रहे हैं। मगरिब का टाइम होने वाला है, थोड़ी सी खाते हैं इलायची और व्यूज तो चेक करें भाई। तो भाई वो खूबसूरत सा दूर से चांद निकलने वाला है और हम बस रास्ते में हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे भी मुझे सिंध में सरसों नजर आ चुकी है, ग्रीनरी और सरसों से भरा हुआ खेत ही खेत जो अभी नजर नहीं आ रहा, अभी नजर आएगा। इतना कोई खूबसूरत लग रहा है, और पानी में ये बीच में देखिए छोटी सी, मेरे कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर रहा, छोटी सी बोट है, और इतना खूबसूरत ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिकनिक पॉइंट होता है ना, अगर ये बाहर मुल्क में होता ना जरूर कोई पिकनिक पॉइंट होता। फिश फार्म है शायद ये, लेकिन बड़ा ही प्यारा लग रहा है। कोई दूर से देखे इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है इसका, खूबसूरत। कौन सा दरिया जिसपे से हम गुजर रहे हैं? ये दरिया सिंध की डेल्टा है ना, दरिया सिंध जहाँ के इलाके में गिरता है, ये वो इलाका है जिसको इंडस डेल्टा बेसिन पे, पता नहीं क्या बोलते, कुछ बोलते। खूबसूरत व्यू, खूबसूरत से खूबसूरत, पूरा सूरजमुखी के खेत ही खेत। निकले हुए 3 घंटे हो गए हैं और अभी हम रास्ते में ही हैं, और सामने आप चांद देख सकते हैं, रात होने वाली है, सूरज बिल्कुल सनसेट हो चुका है, और इस तरफ देखें तो रात होने वाली है, और चांद इतना खूबसूरत लग रहा है, सामने निकल चुके हैं चांद साहब, और हम पहुंचने वाले हैं 5 मिनट्स में। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें आना था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, हमें पहुंचे हुए 1/2 घंटा हो गया, थोड़ा सा हम फ्रेश हुए थे, और बहुत खूबसूरत है यहाँ का, रूम्स बहुत अच्छे हैं, वॉशरूम तो बेस्ट है। तो बहुत अच्छा, बाहर का इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा ना, मतलब बहुत अच्छा वेदर हो रहा है बाहर बैठ के। हम थोड़ी देर में हम लोग खाना शाना खाएंगे, चाय हम लोगों ने पी ली थी, खाना खाते हैं, और ये यहाँ का रूम है। ओए होए यहाँ के सीन तो चेक करें भाई, रियल रियल डियर है, ओए मतलब स्टफ, हाँ ओए क्यूट, और ये रियल रियल में शेर है, मुझे लग रहा है मुझे काले का। और यहाँ पे है ये प्यारा सा हिरन, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है ये फार्म हाउस। हेलो, तो ये है हमारा रूम जिसका हाल थोड़ा सा भी ऐसा हो गया है, लेकिन अच्छा साफ़ सुथरा रूम है। टीवी भी है जो चल नहीं रहा अभी, लेकिन हमने टीवी देखना नहीं है क्योंकि बाहर बैठ के हम लोग इतना इन्जॉय कर रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है, और अच्छे साफ़ सुथरे रूम्स हैं,
बहुत अच्छा है। जैकेट मैंने पहन ली है क्योंकि ठंड हो रही है बाहर, मज़े मज़े की अच्छी सी ठंड है। ठीक है, तो जैकेट वैकेट मैंने पहन ली है, तो अभी हम चलते हैं और खाना लग चुका है, डिनर लग गया है, तो चल के खाना खाते हैं। यम, फूड आ चुका है और हम खाना स्टार्ट करते हैं। यम फूड, प्योर बारबेक्यू। तो हम खाने वाले से फारिग हो गए थे और बाहर बैठ के थोड़ा सा हम वॉक कर रहे थे, क्योंकि खाना हम जब से आए हैं सिर्फ खा रहे हैं, और हमने दो तीन बार कुछ खा लिया होगा, तो इसलिए अभी हम बैठ के थोड़ा सा बाहर इंजॉय कर रहे हैं। इतना अच्छा मज़े का मौसम हो रहा है, वो इंजॉय कर रहे हैं। और ऊपर बिल्कुल ये मेरे चांद है, आज शायद 14th है चांद की या क्या है, फुल मून निकला हुआ है और ख़ूबसूरत ये ऊपर दरख्त है, और हम बैठे हुए व्यू इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा कोई ये व्यू है, ख़ूबसूरत सा ये हमारा फार्म हाउस का है एरिया। अंदर रूम्स इनके बहुत अच्छे हैं और पूरा इसका एरिया बहुत अच्छा है। सुबह हम निकलेंगे, हमारा प्लान है कि हम पूरा इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले सुबह उठ के हमने 7 बजे उठना है, नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ज़ू है, हम ज़ू जाएंगे, फिर क्या है, डेयरी फार्म, फिर डेयरी फार्म है यहाँ पे जहाँ पे ताज़ा आपको वहाँ से दूध मिलता है और सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो हम जाके देखेंगे। मच्छर बहुत हो रहे हैं। और क्या चीज़ है यहाँ पे, और क्या है, मस्जिद बहुत खूबसूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम सुबह जाके देखेंगे। तो अभी बस हम लोग थोड़ी देर में जाके अपने रूम में जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करके फिर सो जाएंगे, बल्कि सो ही जाएंगे। तो ये था आज की अपडेट, और कल हम इंशाल्लाह खूब इंजॉय करेंगे चल के। तो मिलते हैं अब हम कल, तो देखते हैं कि कल हम क्या एंजॉय करने वाले हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं और अब हो रहा है सोने का टाइम। चलते हैं हम अपने रूम में, और ये मेरी लुक थी आज की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी लुक थी आज की, अभी मैंने सोलर जैकेट वगैरह पहनी थी क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी। तो अब अभी हम ऊपर चलते हैं, बच्चे बच्चे तो सारे सो चुके हैं क्योंकि रात का टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। अब वैसे अपने अपने रूम्स में जाके सो चुके हैं। मुझे इस टाइम नींद नहीं आ रही, मुझे ये हो रहा है कि मैं यहाँ पे सारा एक्सप्लोर करूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। खूबसूरत गेस्ट हाउस बना हुआ है ये, बहुत खूबसूरत है। इसकी यहाँ से जो स्टेयर्स आ रही है ना, ये तो खूबसूरत है, और ये नीचे वाले जो एनिमल्स हैं जिनको इन्होंने स्टफ किया हुआ है, मतलब प्रॉपर ज़िंदा थे ये, और उनको इन्होंने मार के उसको स्टफ किया हुआ। और पूरा यहाँ का अच्छा है, बहुत अच्छा है, चेंज रहा बहुत अच्छा। और अब हम चलते हैं अपने रूम में क्योंकि बाकी सब सो चुके हैं, सबकी बैटरी डाउन हो गई है, चलते हैं रूम में। अच्छा, तो मैं रूम में आ गई थी और बस अब मैंने कहा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, और बाकी सब गए हैं सोने के लिए। और ये थी मेरी आज की लुक, और मैं नीचे अपना बिल्कुल जो मेरे लूज पीजेस थे ना वो मैंने पहने थे। मैंने कहा ट्रैवल करने में इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं होती। तो बस आज का बहुत मज़ा आया हमें, हमने क्या क्या किया उसमें ये था कि हम लोग कितने बजे निकले थे, हम निकले थे 4 बजे कराची से, और फिर यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचे जहाँ हमने आना था। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने आपको जो व्यूज़ थे वो भी दिखाए थे। सजावल इस जगह का नाम है, यहाँ पे हम आए थे। आप लोग को आवाज़ आ रही है, अच्छा आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, मैंने जितना बोला है जब से मैं बोली जा रही हूँ। तो ये जगह थी, सजावल के नाम से जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो अगर आप लोग का भी फैमिली के साथ प्लान बने तो ज़रूर 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 आएँ इस जगह पे, क्योंकि बहुत अच्छे फार्म हाउसेज हैं यहाँ पे। लेकिन शायद आपको किसी के थ्रू इसको बुक कराना होता है या क्या, डिटेल्स मुझे इतनी नहीं पता। तो आज का दिन और आज का व्लॉग देखती हूँ यहाँ पे ख़त्म करती हूँ या नहीं। यहाँ पे आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप लोग को कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा।
मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको आपकी फैमिलीज को दुआ में याद रखूँगी। चलें यहाँ पे हम इस व्लॉग को अभी बंद करते हैं, क्योंकि मुझे अभी जाके नमाज़ पढ़नी है, अपना थोड़ा फेस फेस में अपना वाइप करूँ, क्योंकि सुबह से जो ऑफिस से मैं निकली हूँ ना, सुबह मैं कब निकली थी, 7 बजे उठी थी, 7 बजे से उठ के अभी तक मैं जो घनचक्कर बनी हुई हूँ ना, घनचक्कर, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं, तो वो अभी मैं जाके थोड़ा सा सोंगी, रिलैक्स करूँगी। सांस फूल रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, शायद मैं ऊपर आई हूँ ना स्टेयर से, तो इसलिए। चलें फिर, अपना आप सबने बहुत बहुत ख्याल रखना है, मिलते हैं हम कल मज़े के व्लॉग में। कल हम जा रहे हैं खूब 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 इंजॉय करने, बहुत सारी चीज़ें देखने, तो मेरे साथ रहिएगा। सो यहाँ मेरी ग्रीन टी भी आ गई है, और इतना सारा खाना खाने के बाद अब ग्रीन टी तो पीना मस्ट है ना भाई, ग्रीन टी नहीं पियेंगे तो खाना कैसे खाएंगे, और मतलब खाना कैसे हज़म करेंगे, और फिर सोना भी है और सुबह 7 बजे उठना है, तो हम ग्रीन टी पीते हैं जल्दी से और उसके बाद सोते हैं। अच्छा तो यहाँ का मैं वॉशरूम तो दिखाना भूल ही गई थी, अच्छा तो मैं यहाँ का वॉशरूम तो दिखाना भूल ही गई थी, इतने कोई साफ वॉशरूम्स हैं यहाँ के, और इतना मज़े का ये जकूजी जैसा छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है मज़े का, तो ये फार्म हाउस बहुत 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 अच्छा है, साफ, फार्म हाउस नहीं है, फार्म हाउस इसको नहीं कह सकते, ये फैक्ट्री एरिया है, और उसमें इन्होंने अपना जैसे प्राइवेट होता है ना, तो इनके एम्प्लॉयज़ और अपने जो भी इस कंपनी में काम करते हैं वो आते हैं, तो खैर बहुत अच्छा है। अभी मैं अपना फेस पूरा साफ़ सुथरा करूं, क्योंकि सुबह से जो भी मैंने लगाया हुआ था ना, वो सब मेरे फेस पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना फेस वॉश करती हूँ, और अच्छी तरह से क्लेंस करती हूँ, अच्छी तरह से क्या, बस फेस वॉश करूँगी, और फिर जाके अभी हम देखते हैं कि सोने होने की तैयारी करते हैं कुछ। जब से मैं कह रही हूँ कि मुझे सोना है सोना है सोना है, बार बार मुझे याद आता है मुझे ये करना है ये करना है ये करना है, नहीं, अब मैं फाइनली जाके सोने की तैयारी करती हूँ, और फिर आपसे ताड़ा बाय बाय करती हूँ। अच्छा तो यहाँ पे आ चुका है ये दूध भी, और ये खालिस कोई है, खालिस गाय का दूध है जो ये निकाल के लेके आए हैं हमारे लिए स्पेशली, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो थोड़ा सा ये हैवी होता होगा, बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हम लोग को नेचुरल चीज़ें लेने की आदत नहीं है, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, और इसको हम पीते हैं अल्लाह का नाम लेके, और फिर बस ताकत बनाते हैं ताकत। ये कुछ इस तरह का है और काफ़ी गाढ़ा है, देखें, इतना पी के देखते हैं पहले कि हमसे पिया जाता है या नहीं। अल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये मैंने निकाल लिया है, तो मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा पी के देखते हैं, नहीं सीधे हाथ से पीते हैं, ठीक है, ये मेरा सीधा हाथ ही है। मज़ेदार, गरम गरम है, अच्छा, पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, और अच्छा जो लग रहा है ना, मतलब दूध लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि आप पानी पी रहे हो, बहुत मज़े का है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, तो आज है सेकंड डे, और हम लोग उठ चुके हैं, थोड़े से लेट हो गए हैं, सुबह सुबह नहीं उठ सके क्योंकि थकावट और ये सब, और ये सब, तो अभी बस हम उठे हैं, अब जाते हैं नीचे और देखते हैं क्या नाश्ते वाश्ते का सीन है नीचे, बाकी सब तो उठ चुके हैं और खेल वेल भी रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या सीन है। हमारा नाश्ता बस थोड़ी देर में आने वाला है, जब तक हम जाते हैं आगे ज़ू पे, ज़ू के थोड़े से सीन देखते हैं क्या है, यहाँ सुना है कि बहुत अच्छा कोई ज़ू है, तो चलते हैं ज़ू देख। यहाँ पे ब्लैक स्वान भी है, खूबसूरत।
तो ये है ब्लैक स्वान। हेलो हेलो, क्या हाल है आपके? ये खूबसूरत लग रही है, बचपन में बड़ी थी ना अगली डकने। आई लव। हेलो हेलो, उफ उसकी वो नेक की वो देखे जरा फुल भाई, लाल वाली देखना उधर वो भी है बल्ले। हाँ फुल भाई पोज दे रही है ये। हेलो 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 हेलो, और यहाँ पे खड़े हैं ये क्या होते हैं, सीगल नहीं बगले पता नहीं क्या ये। क्यूट। हेलो 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 हेलो, लल इनके लिए फिशेस लाए। ये काटता है? नहीं काटता। ये जोश देखो ना कैसी है। तो ये फिश खाते हैं? ये तो फिश खाते हैं, पूरी पूरी फिश मुंह में डालते हैं। हाँ पूरी पूरी फिश खाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं बहुत ही। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? इनकी कितनी बड़ी है जोश, इसके अंदर 5-6 मछलियां भी रखते हैं। हेलो, ये है चिंपैंजीज। गुस्से में आ गए, गुस्से में आ गए। ये मिक्स ज़ेब्रा लग रहा है, ज़ेब्रा और डंकी का भाई। भाई ये गाइड है कि बताएंगे बच्चों आप लोगों को इनके पीनट्स इनके साथ दोस्त क्यों ये सब खुराक देते हैं? अच्छा उन बच्चों को बुला लेते हैं ये दफा आपके मेहमान आ रहे हैं। देखो कैसे पीनट खा रहे हो आपने, देखो पीनट खा रहे हैं। यहाँ पे ये इनको क्योंकि फीड कराते हैं तो इनके साथ ये फ्रेंडली है, बाकी तो ये बहुत एग्रेसिव और हैंडशेक भी करता है। बिलाल देखिए उसे हैंडशेक भी कर रहे हैं। से नजर नहीं आ रहा लेकिन ये पूरे अपने गैंग अंदर बना के खड़े हुए सामने दूर से नजर आ रहा है। क्यूटी, ये तो वाइट वाला मैं लेके चली जाऊँ, मेरा दिल चाह रहा है। इतना छोटा क्यूट है। हाँ ये है यहाँ पे रेनडियर जो हम कार्टून मूवीज और फिल्म्स में देखते हैं, क्यूटी वो प्रॉपर उसके है लेकिन वो बैठा हुआ है नजर नहीं आ रहा इतना। इसका एलर्जी तो नहीं है? हाँ मगर आराम से उठा ना। क्या तुम्हारे बलूची में क्या मैं इब्राहिम इब्राहिम हाँ आ रहे हैं
और उसने अब सुसु भी कर दिया। तो ये है ऑस्ट्रिच, क्यूटी। मुझे लग रहा है ये साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे। हेलो, बड़ी बड़ी क्या बात है, बड़ी 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 आ जाओ। हेलो, ओके, बाय बाय। यहाँ पे प्रॉपर ये स्कूल भी बना हुआ है जो इंग्लिश मीडियम है, वेरी नाइस। और यहाँ 600 बच्चे पढ़ते हैं। अभी हम आए हैं एक स्कूल में और इतना अच्छा ये स्कूल है, बहुत अच्छी इनकी अरेंजमेंट है। लिखा क्या है, तब तक आपके खैर खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर जवाब नहीं आ सकता। खैर का मतलब इन शऊर अच्छा मशवरा दुख में दुनाशा मुस्करा कर सलाम का जवाब बिला हजरत मुबारकबाद वाले जिनकी वजह से मखलूक खुदा में खुशियाँ आपके हाथ से खैर तकसीम होती है। ये है दीवान फारूक मेमोरियल हाई स्कूल, इसको मिसेज दीवान मोहम्मद उमर फारूक ने मॉडरेट किया। फिर छोटे छोटे चूजू भी हैं, छोटे छोटे चिप्स। हेलो, हेलो, भागे। ताज़ा ताज़ा दूध पिया था ना। हाँ, अच्छा, इसका हमने रात को जो दूध पिया था ये उसके ब्रीडिंग एरिया है ना, यहाँ पे ले आते हैं धूप में। यहाँ प्रॉपर अंदर ये लोग हैं। उफ उफ उफ, अच्छा इस तरह, वाओ, कलर्स तो चेक करें भाई इसके। हेलो, कैन आई टच हर? आई डोंट थिंक सो। ओके, तो यहाँ हम सुबह हो चुकी थी, हम नाश्ता करके ऊपर आ गए हैं। नाश्ता बहुत 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 मज़े का था, कीमा तो औसम था, मज़े का। तो नीचे सब एक और जो आ रहा था गेस्ट वो भी आ गए हैं। तो अब हम दोबारा से जाएंगे शायद फार्म हाउस या कहीं पे, तो जहाँ भी जाएंगे मैं आप लोग को अपडेट करती रहती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। तो अभी मैं चेंज करके आ गई हूँ और अब हम चलते हैं अंदर, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। कर दिया, आप छोड़ दें जाओ, थोड़ा करीब से करना, करीब है। तो वो भाग नहीं था, वो बता उस वक्त वहाँ पे थी। वो पेलिकन्स हैं एंड यू आर स्ट्रेंजर्स टू देम। आए हाय, उसकी चोंच देखो, हिना हट जाओ, गुस्से में हिना हट जाओ, वो स्नार्लिंग, वो गुस्से में स्नार्ल कर रही है। अच्छा, तो मुझे झूला झूलते हुए बिलाल साहब को भी शौक चढ़ा है और खूब इनके यहाँ पे झूले चल रहे हैं। बस अल्लाह करे ये टूटे है ना, बाकी ये इतना कोई ज़बरदस्त फार्म हाउस है ना, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सॉरी फैक्ट्री, बट हम कराची वालों के लिए फार्म हाउस ही है, वट एवर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पूरा इसका व्यू है और यहाँ पे सारे ये ब्लैक स्वान्स, डक्स, ये सब घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। बिलाल आपको मज़ा आ रहा है, बस आप तोड़ ना दीजिएगा। बिलाल साहब, बिलाल गिर नहीं जाना, बिलाल गिर नहीं जाना है, वीडियो में आ जाऊंगा, वो वायरल हो जाएंगे। मोए
आपका मोय मोय हो जाएगा। वाह 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 वाह, खूब यहाँ पे बिलाल अपने चाइल्डहुड मेमोरीज कर रहे हैं। तो हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बिलाल पीछे राइड ले रहे हैं और मैं चेंज करके आ चुकी हूँ। और अभी हमने आगे कहाँ जाना है, हमें फैक्ट्री जाना है, फैक्ट्री जाना है, शायद फैक्ट्री जाना है। तो वहाँ पे भी हम चलेंगे और वो सारा मैं कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी। इस वक्त बहुत अच्छा सनी तो हो रहा है लेकिन अच्छा हवा जो है ना वो ठंडी है, तो मज़ा आ रहा है खूब। और ये इसका पीछे पूरा व्यू है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ओके तो मैं यहाँ से आपको आज दिन में पूरा ओवरव्यू देती हूँ इसका, फार्म हाउस नहीं जो भी, ठीक है। और ये शुगर फैक्ट्री है जो अभी बंद है, अभी यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। खूबसूरत एरिया है। और ये इसका रैंप है ऊपर जाने का, और ये पूरा नीचे से इसका व्यू है, ब्यूटीफुल, बहुत ही कोई खूबसूरत है। और आज मौसम भी अच्छा है तो इसलिए, और हवा बहुत मज़े की चल रही है अभी, ठंडी ठंडी। और ये पाइन ट्रीज, कोकोनट ट्रीज जो हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो हम तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये इन्होंने अपनी पूरी लगाई हुई है दीवान शुगर मिल्स की। अब हम लंच कर चुके हैं और अब हम थोड़ा बाहर जाते हैं। अच्छा तो मैं ऊपर गई थी सौंफ और ये लेने के लिए क्योंकि सबको ये पसंद है, मैंने चेंज कर लिया था। और अब हम चलते हैं बाहर, बाहर धूप कड़ाके की है। इस तरह लेट के जो मज़ा आता है ना, पूरा आसमान देखने का, पूरा व्यू करते। अच्छा तो अब बस जाने की तैयारी है, अज़ान हो रही थी तो अभी हम बस नमाज़ पढ़ते हैं जल्दी से चल के और फिर हम निकलते हैं आगे सफ़र पे, क्योंकि आगे कह रहे हैं कुछ रोड्स ब्लॉक हैं, तो देखते हैं कहाँ तक ब्लॉक है और क्या है, चेक करते हैं। ओके तो हम निकल चुके हैं वहाँ से और हमने टाटा बाय बाय कर दिया है, बहुत 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 अच्छा रहा हमारा। और अभी हम निकल चुके हैं, फुल अभी धूप शूप हो रही है लेकिन वैसे बहुत अच्छा मौसम था। और अभी हम कोशिश करते हैं अगर वो जो सनफ्लावर वाले थे ना पूरे खेत, अगर हम वहाँ रुक सके तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हम कर लें ब्लॉग, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ पिक्चर्स लेने का चाह रहा था, अगर हम ले सके तो ज़रूर लेंगे। और आगे निकलते हैं हम यहाँ से। उस तरफ आप देख रहे हैं ना इतना अच्छा, अभी सनसेट होने वाला है। कल हम आए, मैं इधर का दिखा उधर के लिए, तो कल हम आए भी जिस टाइम पे थे उस टाइम पे भी सनसेट होने वाला था और आज हम जा रहे हैं तो ये खूबसूरत सा सनसेट। और ये पूरा वहाँ पे ना सारे फार्म्स हैं, तो हम आज वापस जा रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं इसको। और अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। अगर आप क्रॉस नहीं कर सकते, नीचे खाई बनाई हुई है उन्होंने, ब्यूटीफुल, ये इतना नजर नहीं आ रहा लेकिन ये पूरा ही सनफ्लावर, इतना कोई खूबसूरत ये व्यू आ रहा है, पीछे पूरा सनफ्लावर ही सनफ्लावर, इतना कोई खूबसूरत आ रहा है ना ये व्यू। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं और सब पिक्चर्स ले रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं क्योंकि इतना कोई खूबसूरत व्यू है ये पीछे से, पूरे सनफ्लावर्स, ब्यूटीफुल, अल्लाह माँ सुभान अल्लाह, इतना कोई खूबसूरत लग रहा है। तो अभी सनसेट हो रहा है और हमारी वापसी है, मगरिब का टाइम होने वाला है और बस हम रास्ते में, अभी भी 2 घंटे हैं और सामने आप देख रहे हैं सूरज, इतना खूबसूरत लग रहा है। जैसे तो हम घर पहुंच चुके थे और अभी अभी हम घर पहुंचे हैं और बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग बंद कर रही हूँ
फुली आपको आज का व्लॉग मेरा सारा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोगों ने क्या करना है, फ़ौरन से जाके मेरे चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना आप सबने बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।